नमस्कार, मैं आपको नए वर्ष की शुभकामना के साथ साथ आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आए, यही मैं आपसे आपके लिए कामना करती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आपका और हमारा जो है संपर्क हमेशा बना रहे और आप खुश रहें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। मैंने आपको अभी तक 6 राशियों का राशिफल बताया, अब मैं आगे आपको 7 से 12 तक की राशियों का राशिफल बताने जा रही हूँ। तुला राशि, तुला राशि में रह री और ती शब्द आते हैं, तो उस अक्षर आते हैं सॉरी, तो उसके अनुसार हम राशि देखते हैं। आपकी ज़िंदगी जो है तुला राशि वाली, वो धीमी गति से आगे बढ़ेगी और आपके स्वास्थ्य जो है सही ठीक ठाक रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी। आपका व्यवसाय चलेगा लेकिन आपके व्यवसाय में इतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ होना चाहिए। आप के साथी और मित्र गण जो भी हैं और परिवार के लोग हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा इन दिनों में। और आप जो है यदि नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, तो आपका जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होगा। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि भाग्य आपको सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए अधिक मेहनत से ही आपका कार्य चलेगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। आपके परिवार में कुछ बाधाएं आ सकती है, इस कारण आप जो है चिंता में रहेंगे और आप थोड़ा खुश कम रहेंगे लेकिन आपके कष्ट कम रहेंगे और आपको लाभ जो है धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अब आपका है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में तो न ना नी ये अक्षर आते हैं, तो इन अक्षरों के आधार पे हम वृश्चिक राशि देखते हैं। वृश्चिक राशि वाले प्रबल होते हैं। वृश्चिक राशि में आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, आपको मित्रों से, सहयोगियों से और परिवार वालों से सहयोग मिलता रहेगा, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। आपके नौकरी में भी आपको जो है लाभ मिल सकता है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको भाग्य के सहयोग के कारण आपका जो है काम वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, आपको सफलताएं मिलती रहेगी, इससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आपको जो है लाल चीज का दान करना चाहिए वृश्चिक राशि के अनुसार। अब है धनु राशि। धनु राशि में आपके जो अक्षर आते हैं वो है य, भ, भी और भू। ये इन अक्षरों से जो है आपकी राशि बनती है और आप का जो जिन जीवन है वो धीमी गति से आगे बढ़ेगा और आपको संतुष्टि नहीं रहेगी क्योंकि भाग्य के सहयोग नहीं मिलने के कारण आपके चिंताएं बनी रहेगी और आप असंतुष्ट रहेंगे, इससे थोड़ा बहुत आपके व्यवहार में फर्क पड़ सकता है, इसलिए आपको अपना संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। आपको यदि किसी बात के लिए आप अपने आप को थोड़ा ऊपर समझते हैं या ये समझते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो ये जो है चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी और साधारण व्यवहार आपको सबके साथ करना पड़ेगा और धीर लाभ भी होगा और आपको हानि भी होगी, लेकिन हानि कम होगी और लाभ जो है आपको मिलता रहेगा, लेकिन इतना लाभ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लाभ मेहनत के अनुसार नहीं मिलेगा और
आपके साथी लोगों के साथ, परिवार वालों के साथ आपका व्यवहार जो है वो बिगड़ सकता है और आपके कार्यों में भी कठिनाई आ सकती है, काम बिगड़ सकता है। आप नए कार्य करने की सोचेंगे तो उसमें भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे नए नए कार्य करने की तो सोचेंगे, लेकिन जब आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको लाभ अभी नहीं मिलेगा। आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी, जितना लाभ मिलेगा उसी के अनुसार आप प्रयत्न करते हैं, आपके काम के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। बस अलग, मतलब आपको अलग से जो लाभ मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब है आपकी मकर राशि। मकर राशि में भो जा जी गु गे और गी, ये अक्षर आते हैं, इसी के आधार पर मकर राशि होती है। इस राशि के लोग जो हैं बड़े जिद्दी और प्रबल होते हैं। वो अपने सोचे हुए कार्य को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि इस समय उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा और मित्रों के साथ भी ज़्यादा, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ और परिवार वालों के साथ ठीक ठाक संबंध बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और आपके कार्य में धीमी गति से कार्य जो है वो चलता रहेगा। ऐसे अलग से आपको कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें आपको ठीक ठाक लाभ मिलेगा, अधिक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आप अपने आप को यदि नए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कुंभ राशि वालों को आप नए नए कार्य करने की सोचते हैं, आपके कुंभ राशि वालों के जो हैं वो गय घी गु और सै अक्षर से ही ये राशि देखी जाती है। इस राशि वाले भी बड़े प्रबल होते हैं, जिद्दी प्रकार के होते हैं और नए नए कार्य करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि आपकी योजनाएं जो है बन तो जाएगी लेकिन आपको जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी और आप संतुष्टि आपको उसी में ही करनी पड़ेगी। आपके मित्रों के साथ, आपके भाइयों के परिवार के साथ, आपके सहयोगियों के साथ अभी संबंध ज़्यादा ठीक नहीं रहेंगे। परिवार में कोई बाधा भी आ सकती है और किसी प्रकार की घटना भी हो सकती है, उसके कारण आप चिंता में रहेंगे, चिंता बनी रहेगी आपके और आप असंतुष्ट रहेंगे। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक नहीं हो पाएगी, धीर ठीक ठाक रहेगी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते उसको। कार्य में बाधाएं आएगी और कार्य में लाभ भी होगा लेकिन लाभ कम और हानि चलती रहेगी। संतुष्टि, साधारण जीवन जो है हम उसको कह सकते हैं। आपको इसमें शनि की अंगूठी पहननी चाहिए और आपको काली चीज का दान करना चाहिए। मीन राशि में दी दू चै और ची ये अक्षर आते हैं, इसी के आधार पे हम जो है मीन राशि देखते हैं। मीन राशि वालों की का जीवन जो है अच्छा बीतेगा, स्वास्थ्य स्वस्थ रहेंगे और प्रबल रहेंगे, उनको आगे बढ़ने का अच्छा रास्ता मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। नए नए कार्य करने का मौका मिलेगा, मांगलिक कार्य इनके घर में हो सकता है और आपके सहयोगियों के और मित्रों के द्वारा जो है आपको और परिवार के लोगों के द्वारा आपको लाभ भी मिल सकता है। और आपके उद्योग में यदि आप कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और या राजनीतिक उसमें काम कर रहे हैं फील्ड में या सामाजिक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको लाभ उसमें मिल सकता है। और आपकी स्थिति अच्छी होने के कारण आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे।
अनुकूल वातावरण रहेगा आपके उसमें, और कार्यों में आमदनी होती रहेगी। आपको पीली चीज़ का दान करना चाहिए, और जैसे मक्खी है, गुड़ है, इन चीज़ों का आप गुरुवार के दिन दान करें, आपको और भी लाभ मिलेगा। नमस्कार।